हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आइडियोलॉजी ट्रेडर। आज हम बैंको प्रोडक्ट्स कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। ये कंपनी कूलिंग सिस्टम्स और सीलिंग सिस्टम्स के पार्ट्स बनाती है और इस स्टॉक में काफी पोटेंशियल है अच्छे रिटर्न्स देने का। तो इस वीडियो को स्किप मत करना और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको नया डीमैट अकाउंट खोलना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एंजल ब्रोकिंग और अपस्टॉक्स की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना नया डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं बैंको प्रोडक्ट्स के वीकली चार्ट्स पे और अभी इसका प्राइस जो है ये 161 रुपीज है। और ये वीडियो मार्केट आवर्स में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है ये प्राइस जो है बाय द एंड ऑफ द डे आपको चेंज होता हुआ दिखे। तो अभी इसका प्राइस देखिए, ये 160.75 और 161 के बीच में चल रहा है ये अभी, ठीक है। तो इसपे अगर आप देखोगे मार्च के टाइम पे, यानी कि लास्ट ईयर जब पेंडेमिक आया था, तभी इस स्टॉक ने जो लोज लगाए थे ये 54 रुपीज के थे। और वहां से देखिए एक स्टेडी ग्रोथ देखी गई है इसमें, जो हायर हाई और हायर लोज वाला पैटर्न है इसमें वही बरकरार है, आपको दिख रहा है, ये वीकली चार्ट है, ठीक है। बट इसके पहले जब ये डाउन साइड चालू हुआ था 2018 में, जनवरी 2018 में देखिए इसने हाई लगाए थे 277 के, और वहां से स्टॉक देखिए कंटिन्यूसली नीचे आता जा रहा था। 2 साल तक ये स्टॉक नीचे आया है और अब जाके स्टेबल होके अब ऊपर की साइड वापस ये मूव करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो और इसके हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं, देखिए यहाँ पे स्टॉक का एक अच्छा खासा ग्रोथ रहा है। 1998 2000s में देखिए ये स्टॉक सिंगल डिजिट हुआ करता था, उसके बाद एक लेवल ऊपर हो गई थी, देखिए जो लोज थे वापस ये ऊपर कर दिया था, वापस ये स्टॉक ने हाई लगाए थे 138 के, ठीक है। और जब लोज लगाए थे तो वो प्रीवियस लोज तक नहीं आया था, आप देख सकते हो यहाँ पे लोज है, ये हायर होते गए हैं इसके, ठीक है। बट ये 2018 में इसने जब 277 के हाईज लगाए तो इसने एक डाउनसाइड मोमेंट दी थी, और यहाँ पे जो पेंडेमिक के चलते स्टॉक ने 54 के लोज लगाए थे जो कि यहाँ के थे, देखिए यहाँ पे 2013 14 पे जब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था तब के लोज लगे हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अब ये इसका जो बॉटम है ये बॉटम आउट हो चुका है और अब धीरे धीरे करके ऊपर की साइड निकलने की कोशिश कर रहा है। बैंको प्रोडक्ट्स ये कंपनी क्या काम करती है मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने इसके लाइफ टाइम हाईज भी देख लिए जो 277 के है, और लोज आपने देखे सिंगल डिजिट में था समवेयर अराउंड 2000s में, तो वो हम लोग नहीं बात करेंगे कि इतना नीचे तो नहीं जाएगा स्टॉक, बट हाँ ऊपर की साइड कितने आ सकता है और अभी के लिए जो डाउन साइड है कितनी है ये हम लोग जानने वाले हैं। तो उसका टेक्निकल पार्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले जान लेते हैं कि ये कंपनी एक्चुअल में करती क्या है, क्या इसके प्रोडक्ट्स है। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं बैंको प्रोडक्ट्स के मेन वेबसाइट पे। अगर आप कंपनी के अबाउट अस सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ये कंपनी क्या क्या बनाती है। तो यहाँ पे देखिए, बॉर्न ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट ऑफ 1961, बैंको प्रोडक्ट्स लिमिटेड हैज टूडे कार्व्ड अ नीश ऑफ इटसेल्फ एज अ लीडर इन बिजनेस ऑफ इंजन कूलिंग एंड सीलिंग सिस्टम्स बोथ फॉर ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे ये जो काम है, यानी कि आप देखते होंगे कि ऑटोमोटिव कार्स जो रहते हैं तो उनके लिए जो इंजन में जो लगने वाले पार्ट्स होते हैं कूलिंग के लिए और सीलिंग के लिए, यानी कि बड़े बड़े जो मशीन्स या फिर इंजिन होते हैं उसकी सीलिंग के लिए जो पार्ट्स लगते हैं या फिर जो गैस लगते हैं वो बनाती है ये कंपनी। वी कंबाइन द पावर ऑफ इनोवेशन एंड कमिटमेंट टू क्वालिटी टू क्रिएट हाई परफॉर्मेंस सोल्यूशन फॉर आवर कस्टमर्स। यहाँ पे देखिए इंजिन कूलिंग सिस्टम में क्या क्या प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे जैसे रेडिएटर्स है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, रेडिएटर्स है, ऑयल कूलर्स है, ट्रांसमिशन एंड हाइड्रोलिक में है, फ्यूल कूलर्स है, बैटरी कूलर्स, इन्वर्टर कूलर्स, काफी सारा यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फैन श्राउड एंड गार्ड एंड मिसलेनियस माउंटिंग एंड प्लम्बिंग एक्सेसरीज। तो ये सब जो लगने वाली चीजें होती है वो ऑटोमोटिव में भी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में भी ये सप्लाई करती है। यहाँ पे देखिए जो सीलिंग सिस्टम्स में जो प्रोडक्ट्स लगने वाले होते हैं तो क्या क्या बनाती है, इसका पूरा यहाँ पे रेंज दिया गया है। इंडस्ट्रियल गैसकेट्स जो होते हैं या फिर मटेरियल इंक्लूड, देखिए यहाँ पे मल्टी लेयर्ड स्टील, ग्रेफाइट कंपोजिट गैसकेट्स, स्टील फाइबर कंपोजिट गैसकेट्स, तो अलग अलग जो प्रकार के गैसकेट्स हैं, रबर गैसकेट्स, रबर प्री कोटेड बीडेड गैसकेट्स, तो यहाँ पे इसका सारा, यहाँ पे देखिए कॉपर गैसकेट्स, तो यहाँ पे इसका पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। और इनका ये टाइमलाइन है कि कौन से ईयर में इन्होंने क्या क्या किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आईएसओ सर्टिफाइड हुए थे 1996 में, काफी इसका पूरा डिटेल यहाँ पे आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स में जाओगे तो यहाँ पे देखिए इंजन कूलिंग वही आपको और डिटेल में यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये रेडिएटर्स है, ठीक है, फ्यूल कूलर है, ऑयल कूलर्स है, कंडेंसर्स है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स ये जो कंपनी है ये बनाती है। और जैसे ही अब लॉकडाउन खुल जाएगा तो ये कंपनी के लिए काफी सारे ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे,
तो वो एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर भी एक ग्रोथ ऑटोमोटिव सेक्टर में दिखाई देता है, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। और जैसे ही अभी ये जो फेस्टिव सीजन आने वाले हैं आगे कुछ महीनों में, तो ये प्रोडक्ट्स जो है ये ऑटोमोटिव कंपनी पार्ट सप्लाई करती है उनके लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है। तो वो सब ध्यान में रख करके आप ये स्टॉक को देखिएगा, आने वाले कुछ महीने इन स्टॉक के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो अब चलते हैं इस कंपनी के टेक्निकल पार्ट पे और देख ले टारगेट्स आ सकते हैं टेक्निकली, ठीक है। अगर आपको अब तक की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को इस आई बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको मेरे चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। और अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ये वीडियो देख रहे हो तो आपके राइट हैंड बॉटम कॉर्नर पे आइडियोलॉजी ट्रेडर का एक छोटा सा आइकन दिख रहा होगा आपको, उस आइकन पे क्लिक करके भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं बैंक ऑफ प्रोडक्ट्स के वीकली चार्ट्स पे, और जैसे मैंने आपको बताया कि मार्च महीने में लास्ट ईयर 54 के लोज लगे थे, और उसके बाद देखिए कंटिन्यूसली हायर हाई और हायर लोज बना रहा है, और इसके वॉल्यूम्स भी देखिए जनरेट हो रहे हैं। जब जब ये स्टेबल होता है और ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन देता है उसके बाद देखिए वॉल्यूम जो है ये काफी बढ़ जाते हैं यहाँ पे देखिए, और अब ये वापस वही कर रहा है। देखिए एक बड़ा सा एक अपसाइड मूवमेंट आया था, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है, अब ये वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और हायर हाई और हायर लोज का जो इसका फंडा है ये मेंटेन कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये जो लोज लगे थे इसके, यहाँ एक दिन का एक बड़ा सा कैंडल बना था, बट यहाँ पे आप जो 130 की लेवल है ये आप पकड़ सकते हो। यहाँ पे देखिए ऊपर जाने के बाद वापस ये 130 की लेवल के आसपास आया था बट उसको ब्रेक नहीं किया है, तो ये हायर हाई और हायर लोज का पैटर्न जो है ये बनाता जा रहा है, और यहाँ पे से एक अपसाइड मूवमेंट इसमें आ सकती है काफी बड़ी, तो इसलिए ये स्टॉक मैं आपको दे रहा हूँ। अब ब्रेकआउट लेवल जो है इसकी वो यहाँ पे देखिए, ये जो हाइज बने हैं इसके, देखिए यहाँ पे चार बार ये हाइज बना चुका है बट यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है, तो ये 165 और 166 की लेवल जो है इसके लिए काफी क्रूशियल है। 165 166 के ऊपर जिस दिन क्लोज दे देगा ये, तो इसके बाद आपको 180 और 200 के लेवल्स बहुत ही तुरंत मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो 200 के लेवल्स है इसके लिए, 190 और 200 के लेवल्स ये काफी क्रूशियल है। यहाँ से इसमें एक डाउनसाइड स्टार्ट हुई थी देखिए, यहाँ पे जो स्टॉक को मार्च महीने में पेंडेमिक में 54 तक ले आई थी, और अगर आप देखोगे इसमें 2018 में जनवरी में 277 के हाई लग चुके हैं, अभी इसका प्राइस चल रहा है 160, तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफी ग्रोथ अभी भी इसमें पॉसिबल है। और जैसे काफी सारे स्टॉक जो है लाइफ टाइम हाईज बना रहे हैं, इस स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल है कि अपने लाइफ टाइम हाईज ये बना सके, तो आने वाले टाइम में ये स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकता है। और जैसे ये लॉकडाउन और कोविड का सिचुएशन अब धीरे धीरे ये अनफोल्ड होगा, तो यहाँ पे इस कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो कंपनीज है वो लॉकडाउन से बाहर आएंगी और प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगी, और कंपनीज को जो रॉ मटेरियल है जो ये प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं उसका ऑर्डर बुक बढ़ेगा, तो आने वाले टाइम में जो है इस कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो इसका जो टारगेट्स है जैसे मैंने आपको बताया ऊपर की तरफ, ये जो लेवल्स है इसके 166 के जिस दिन क्रॉस कर देगा ये, 180 और 200 के लेवल्स के लिए आप इसमें बाइंग कर सकते हो फॉर द शॉर्ट टर्म। मैं अभी इसमें खाली आपको ये दो ही टारगेट दे रहा हूँ, जब ये दो टारगेट अचीव हो जाएंगे तो उसके बाद मैं आपको इसका टारगेट अपडेट कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो अभी देखिए इस स्टॉक में जैसे मैंने आपको बताया लोअर लेवल्स पे 130 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है, ऊपर की तरफ 166 के ऊपर निकलने के बाद 180 और 200 के लेवल्स हमें ये स्टॉक दिखा सकता है, तो यहाँ पे राउंडिंग बॉटम का भी एक पैटर्न जो है ये कंप्लीट कर सकता है ये स्टॉक, और ऊपर की तरफ बहुत ही मेजर लेवल्स इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए खुलते हुए मुझे नजर आते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए भी ये स्टॉक बहुत अच्छा है, और शॉर्ट टर्म के लिए 180 और 200 के टारगेट्स इसमें आप देख सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, आप जितना लाइक करोगे उतना ही ये वीडियो आप जैसे लोगों तक और फॉरवर्ड होते रहेगा, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके जरूर बता सकते हो कि वीडियो कैसा लगा, या फिर आपको कोई स्टॉक्स के बारे में परेशानी होगी या कुछ डाउट होंगे तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगा जितना जल्दी हो सके मेरे से रिप्लाई करने का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ और हैव अ गुड डे, थैंक यू।